हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं कूल स्टार टैक। दोस्तों आज फिर हम आ गए एक नई वीडियो लेके। दोस्तों ये देखिए कोल्ड स्टोर है ये, इसमें दोस्तों ड्रेन पाइप का हीटर ख़राब हो गया है जिसको आज हम चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें पहले सिलिकॉन का हीटर डला हुआ था जो जल गया है, देखिए अलग ही दिख रहा है। तो दोस्तों आज हम इसकी जगह मगर सिलिकॉन का हीटर नहीं डालेंगे, आज इसमें हम डालेंगे मेटल हीटर। दोस्तों सिलिकॉन का हीटर कैसे चेंज करते हैं ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप चाहे तो वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं सिलिकॉन का हीटर कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों आज हम मेटल हीटर चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों हमने हीटर को खोल लिया है। देखिए दोस्तों इसका एक सिरा न्यूट्रल रहता है और दूसरा सिरा इसका फेस रहता है, और इसमें जो ग्रीन वाला वायर है दोस्तों ये अर्थिंग का वायर रहता है। दोस्तों हीटर को ऑन करने के लिए इसके एक सिरे पे न्यूट्रल देंगे और दूसरे सिरे पे हम फेस की सप्लाई देंगे जिससे कि हीटर ऑन हो जाता है। तो दोस्तों चलिए आइए हम इसको ड्रेन पाइप के ऊपर अच्छी तरह से लपेट लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे जिस तरह से मैं लपेट रहा हूँ इसी तरह से पूरे पाइप पर इसको लपेटना है। ये देखिए दोस्तों हमने हीटर को अच्छी तरह से लपेट लिया है पूरे पाइप के ऊपर, ये देखिए आप। दोस्तों पाइप के ऊपर हम सिल्वर फॉइल टेप लगाएंगे, ये देखिए दोस्तों सिल्वर फॉइल टेप लगाने से ये होता है कि जो हीटर की जो हीटिंग होती है बहुत अच्छी हीटिंग का होती है, जो हीटर की हीटिंग है बाहर नहीं आती जिससे कि पाइप अच्छी तरह से गर्म रहता है। तो दोस्तों अगर आपके पास सिल्वर फॉइल टेप नहीं है तो आप सिल्वर फॉइल पेपर जो आता है आप उसको भी लपेट सकते हैं उसके ऊपर। ये देखिए मैं जिस तरह से लपेट रहा हूँ इसी तरह से आप पूरे पाइप पर लपेट लीजिए। दोस्तों माइनस के कोल्ड रूम में ड्रेन पाइप पे हीटर लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर दोस्तों इस पे हीटर नहीं लगाएंगे तो जो ड्रेन का पानी है वो पाइप में जम जाएगा जिससे कि आइस फॉर्मेशन होने लगेगा और पूरे यूनिट पर आइस फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके टेम्परेचर में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों इसी वजह से इस पे ड्रेन पे हीटर लगाया जाता है। दोस्तों देखिए हमारे ये सिल्वर फॉइल लग चुका है। तो दोस्तों अब सिल्वर फॉइल को कवर करने के लिए दोस्तों हम इंसुलेशन करेंगे। दोस्तों देखिए हमने इंसुलेशन की पतली पतली पट्टी काट ली है जिससे हम कॉपर पाइप पे इंसुलेशन करेंगे। देखिए हम इसको पूरे पाइप को कवर करेंगे इंसुलेशन करके। दोस्तों आप चाहें तो इसके जगह ट्यूबलर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबलर इंसुलेशन जो आता है दोस्तों आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इंसुलेशन की पट्टी लगाई है। दोस्तों ये देखिए इस तरह से पूरे पाइप पर इंसुलेशन कर लीजिए आप अच्छी तरह से। दोस्तों इसके बाद इसको इंसुलेशन टेप से अच्छी तरह से पूरे पाइप को कवर कर दीजिए। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको फुल डिटेल में और आसान तरीके से ड्रेन पाइप का हीटर चेंज करना बताया दोस्तों, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको मैं आसान से आसान तरीके से हर वीडियो को समझाने की कोशिश करूँ। दोस्तों देखिए हमारा ड्रेन पाइप का हीटर लग के तैयार हो चुका है। दोस्तों अब हम इसको वापस मशीन के साथ फिट कर देंगे। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कैसे फिट होगा। ये देखिए इसको हमने जैसे निकाला था दोस्तों वैसे सेम वैसे ही लगा देंगे और इसका दोस्तों वायरिंग कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ड्रेन पाइप का हीटर लग के कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।